हेलो। हाँ हेलो यार, जी, एक तुम पागल हो क्या? अच्छा, सेकंड रुकना, पानी पी रहा हूँ भाई। जल्द घर पे आओ ना। क्यों पागल, क्यों, क्या किया मैंने? अब तुम्हें खुद पता है मुझे तुमने क्या किया। ठीक है, क्या क्या तुमने अपने घर वालों को मेरे घर भेज दिया? हाँ, क्या भेजा? नहीं, किया? मैं भी आया था। हाँ पता है मुझे, देखा मैंने तुम्हें भी। क्या था ये? हाँ ये पता नहीं क्या था। मतलब बता के देते आने से पहले। अच्छा, नहीं, कल मैंने किसी को कहा था ना कि एक सरप्राइज मिलेगा, और तुमने कहा था कि तुम इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते, मरने के अलावा ऑल दैट। तो सोचा कि कुछ ऐसा करते हैं जिससे। हाँ तुम खुद को मरे, मुझे तो मर पा रहे हो ना। तो मैं पर मरवा जब रहा हूँ। मैंने तुम लोगों को देखा, मैं भी जान निकल गई यार। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? पता मैंने कुछ गलत तो किया नहीं है वैसे, पहली बात। ठीक है, प्यार है भाई, मेरे को है मुकम्मल कितनी करना इंसल्ट था। होती है, सब इंसल्ट लोग क्या है क्या इसमें? सोचते होंगे मेरे बारे में। क्या सोचेंगे, तुमने जवाब तो दे दिया ना। बट फिर भी कुछ नहीं होता है, एक्सेप्टेड ना। फिर अकेले रहना आपके साथ, क्या, अकेले रहना आपके साथ। एक सेकंड, तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, बहुत ब्लर आ रही है। तो मोबाइल को पास में लेके बात करोगे? मैंने कहा मुझे आपके साथ नहीं रहना। अब क्यों नहीं रहना, अब क्या हुआ? इतने गंदे हो आप मैंने कोई एक बार भी नहीं बताया ना कि तो आप इतना आ रहे ज्यादा हो। गलत गलत बोल गए तुम मेरे को, मेरी पूरी डिसरेस्पेक्ट कर गए तुम इतना घटिया आपको तरीके पता से। है हाँ, ना मैं गुस्सा ठीक टाइम पे। तो गुस्से में भी डिसरेस्पेक्ट करना जरूरी होता है? नहीं ना, गुस्से में तो इज्जत कर सकते हो ना। इज्जत अगर करते हो तो चाहे गुस्सा हो या कुछ भी हो, निकलती है, समझे? वो होती है अपने आप। लेकिन तुमने गुस्सा कर दिया। आई नो, मैंने भी कर दिया, मैंने भी वही काम कर दिया जो हाँ तुमने किया। मैंने गुस्सा किया तभी तो हमारी शादी होगी ना, अरे मैंने भी वही वही किया ना, रीजन। गुस्सा भी किया और बाद में डिसरिस्पेक्ट भी हो गई मेरी वजह से। आई एम सॉरी फॉर दैट। मैंने गुस्सा किया तभी आपको हिम्मत आई कि नहीं यार मुझे करना चाहिए अपने प्यार के लिए कुछ। आपने इतना बड़ा स्टैंड लिया और थैंक यू सो मच। नहीं, बात मेरे इस पे आ गई थी ना, किस पे पता है? मेरे प्यार पे। तुमने सीधा उंगली उठा दी थी ना मेरे पे कि भाई तुमने कभी प्यार किया ही नहीं, तुमको तो मेरे को धोखा देना था एंड ऑल दैट, ऐसी वैसी बातें। दिमाग घूम गया था मेरा जब तुमसे बात खत्म हुई ना। नीचे गया खाना खाने के लिए, मम्मी पापा बैठे हुए थे डाइनिंग टेबल पे, सब लोग खाना खा रहे थे। सिंपली मैंने एक चीज़ बोली कि पापा मम्मी एक बात बतानी है खाना खाते खाते। मैंने बोला कि सुनो, बोलते हाँ। वो थोड़ा सा डरा, बट मैंने बोला कि यार एक लड़की है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे को उससे शादी करना है। फिर पापा पूछे क्या करती है, कौन है, कहाँ से है, कैसे हुआ, कहाँ मिले, कितना कितने टाइम से साथ हो, कब से जानते हो एक दूसरे को, क्यों साथ हो, क्या रीज़न है, शादी करने का प्लान है या नहीं है, बस ऐसे ही टाइम पास के लिए एंड ऑल दैट। बोला शादी का प्लान है तभी तो बता रहा हूँ यार घर पे। सारी बातें हुई, फिर बाद में पापा मम्मी को कैसे तैसे कन्विंस करा भाई मैंने कि एक बार आप मिल लो, एक बार आप मिल लो। पापा मम्मी मना कर रहे थे मेरे को, एक बार बोला आप मिल लो। और अरे मैं तुमको क्यों बता रहा हूँ, मैं तो गुस्सा हूँ तुमसे। हाँ और पता है अभी मेरी क्लास लगी ठीक है मम्मा पापा के सामने, क्योंकि अभी जो कुछ टेस्ट है हो ना अच्छी सबके। बात है, सजा वही है तुम्हारी जो कल मेरे पे गलत गलत बोल दिया ना मेरे को, उसकी सजा यही मिलेगी तुमको अब। बताओ बता मेरे को, पहले देना। हाँ तो अल्लाह हाफिज़। हेलो, जान यार, तुमको पता तो है कितना प्यार करता हूँ, तुम सब कुछ पता देखो है। मोहित यार बताओ, वो लोग बहुत अच्छे थे ठीक है, जिन्होंने हमारे मतलब डिसीजन की रिस्पेक्ट रखी। अगर कोई और होते तो कितनी इंसल्ट करवाते ना बाहर। अरे मतलब वो लोग अच्छे थे, मतलब वो लड़के वाले तो दूसरे? खुद से मतलब है ना। हाँ उनको भी जवाब देना था, तुम्हारा ये नहीं है कि तुम्हारे तुमसे शादी फिक्स होगी तो मैं क्या तुम दोनों से शादी करूँ। नहीं, पागल, मुंह पे चुप मारूंगा मैं, हो जाओ। चुप हो जाओ तो हम तुम। तुमको भी जवाब देना था ना।
वालों को भी पता है। हाँ अच्छा, ये सब छोड़ो, मुझे बस एक चीज, एक सवाल का जवाब दो, हाँ जी। एक नहीं दो चार सवालों का, ठीक है? और मम्मी कसम तुम सच बोलोगे सब कुछ। आर यू हैप्पी विद इट? तुम खुश हो ये सब से जो मैंने किया? अच्छा लगा या खुशी हुई ये सब हुआ तो? मुझे बस इसी बात की खुशी है कि हम दोनों साथ रहेंगे, बाकी और जैसे भी हो आप बस भूलना चाहती हूँ। कोई चीज़ बुरी नहीं लगी ना मेरी मेरी कोई चीज़ बुरी नहीं लगी ना? घर वालों से बात करना, मेरा बिहेवियर, उनको कन्विंस करना प्यार से, किसी ने, घर वालों ने कुछ बुरा भला नहीं कहा ना? नहीं, तुम मुझसे शादी करना आप चाहते हो खुद ना सच में? इतने डरे हुए से लग रहे थे उस टाइम पे, अब हाँ वो सब कहाँ कुछ छोड़ो, तुम बोलो। इतनी सच्ची शादी करना चाहते हो ना मुझसे क्या? करना चाहती हूँ मैं, कोई सच्ची करना चाहती हूँ। कोई लड़की इतना बड़ा स्टेप कैसे ले सकती है, इतना करना चाहते सस्ता हो ना? तोड़ दिया, घर वालों के सामने सब कुछ बता दिया कि मुझे इससे शादी करनी है, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। पता है मेरे को बहुत ज्यादा प्यार है तुमसे, तुम समझे नहीं कभी, आई डोंट नो व्हाई, शायद मैं ही कहीं गलत हो रह गया, मैं ही कहीं कम रह गया कि तुमको समझे नहीं, बट शायद मैंने आज सही किया सीधा तुम्हारे घर पे आके। मुझे पता था तुम खुद तो कुछ कर नहीं सकते, खुद बस चिढ़ोगे, चिल्लाओगे, फ्रस्ट्रेट रहोगे, करना मुझे ही पड़ेगा, इसलिए खुद को शांत भी रख रहा था, बट गुस्सा बहुत आ रहा था, तो क्या करता, क्योंकि ये सब डायरेक्टली हुआ ना, नथिंग वॉज फिक्स्ड, नथिंग वॉज नोइंग, नॉट नोइंग एनी थिंग। सो और रही बात आपके वो स्टैंडर्ड लाइफ की, जो आपने कहा था कि तुम मेरे स्टैंडर्ड के नहीं बस हो, करो हम गुस्से में बात है ना। ना हाँ तो गुस्से में हमेशा लड़कियां सच्ची कहती है, ये बात जान लेना। ना 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 ना, मुझे बस ना ना ना, आपके साथ ऐसा रहना नहीं है, होता है, आपके साथ रहना है। मुझे इस बात का गुस्सा था कि आप मेरे साथ नहीं हो, मुझे किसी और के साथ रहना पड़ रहा है, बस मुझे आप चाहिए। पता है तुम इस चीज की टेंशन मत लो, कमाने वाली और स्टैंडर्ड वाली बात है तो वो हमारी भी बहुत अच्छी है, ठीक है, परफेक्ट है, परफेक्ट तो कुछ होता नहीं है, बट जैसी भी है बहुत प्यारी है, आई नो की विल एंजॉय इट, बट पता नहीं तुम क्या सोचते हो मेरे बारे में अब। हाँ हर्ट हुआ मुझे, बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ, तुम्हारा हर एक लाइन, तुम्हारी हर एक बात दिल में चुभती थी चाकू की तरह, तो लगता था प्लीज जैसे आ कोई जाइए मेरा 100 बार कत्ल कर रहा है, पता है? ना। कितने सुनाओगे मुझे? सुना नहीं रहा हूँ मैं, अपने दिल की फीलिंग्स बता रहा हूँ, अगर तुम फीलिंग्स को भी सुनाना चाहोगे तो तुम गलत हो, गॉट इट? प्यार है तुमसे यार, ऐसे नहीं कहता, है तो है, कुछ कर नहीं सकता, तुम हो सकते मैं हो ना। हूँ, तुम हो मैं हूँ, बस काफी है मेरे लिए। आई लव यू, और जो कुछ हो सब हो जाएगा सेट, मेरी अर्निंग्स भी बढ़ जाएगी, आपको भी तो ड्रीम है ना जॉब वॉब करने का, तो आप भी वो कर ही लोगे, तो टेंशन मत लो, मैं हर एक चीज मैनेज कर लूंगा, आई हैव ट्रस्ट एंड फेथ ऑन माई सेल्फ, सो प्लीज। और व्हाट वाज योर रिएक्शन जब तुमने मुझे देखा तुम्हारे यहाँ पे आते हुए? क्या हो रहा? क्या रिएक्शन था आपका जब आपने मेरे को देखा आपके यहाँ आते हुए? पहली बात तो मेरा मन बहुत उदास था कल वाली बात को लेके, मुझे नहीं पता था कि आप ये सब कर सकते हैं। जब मैंने आपको देखा मैं एकदम स्टक हो गई, क्या कि क्या है। फिर मैंने सोचा यार बस कुछ ना कुछ तो होने ही वाला है, बस मैं ही फंसने वाली हूँ, ऐसे ही तो वैसे ही जो होगा देखा जाएगा। बट ये है कि मेरे पेरेंट्स ने भी आपके पेरेंट्स से अच्छे से बात की, उन लोगों ने भी अच्छे से प्रपोजल रखा, और फिर मेरे घर वालों ने मुझसे पूछा कि क्या है तेरा सीन। उन्होंने बता दिया, डर डर के मम्मा को बताया कि ऐसा ऐसा है, मुझे लड़का पसंद है। और अब कुछ भी नहीं बोल रहे थे, आप बिल्कुल शांत थे, बिल्कुल ऐसे क्या कौन शरीफ बच्चे की तरह बैठे थे। आप मैं? मेरे घर वालों को पसंद आ गए। हाँ
यार क्या आपका जो बोले घर वाले? शरीफ ओ, है, शरीफ है लड़का। मैं शरीफ लगा उनको? मैं ऐसा हाँ कमीना तो पता कोई है, नहीं मुझे है। पता है, बट आपने बस ऐसे ही रिएक्शन दिया शरीफों वाला। मुझे पता था ना आपके पापा का नेचर, आप हमेशा बातें करते रहते हो घर वालों के बारे में, तो पता था कौन सी बात कहाँ पे ट्रिगर होती है। वही सारी चीजें यूज कर रहा था कि अलग अलग तरीके से बात करना, लाइक प्यार से समझाया, फिर आपको आपसे पूछवाने लगाया कि अंकल आप पूछो ना इनसे कि प्यार करते हो कि नहीं। मेरे को तब खास कर तब डर लगा था जब मैंने तुम्हें पूछा, तुम्हें तुम्हारे पापा ने मम्मी ने जब पूछा ना कि तुम्हारा क्या सीन है भाई बताओ, तो तब मैं बहुत डर गया। मैं यार ये पहले ही गुस्सा है मेरे से। मैंने हिम्मत रख के कह तो दिया, कॉन्फिडेंस है खुद पे कि ये मुझे ना नहीं कर सकती, इसलिए मैंने बता दिया, पूछवाने लगा दिया घर वालों से तुम्हारे। बट मैं डर गया था, आपने कहीं इतना ये बड़ा बदल स्टेप गई तो। लिया मेरे लिए, बहुत सही। मैं कल सच्ची डर गया था, कहीं ये बदल गई तो गुस्से के मारे, मैं कैसे बहुत डर गया बदल था। गए तो, जो लड़का एक लड़की के लिए ऐसे आ सकता है, अपने पेरेंट्स को लेके उसके घर आ सकता है, उसके तो आप बंद करके भरोसा उसके प्यार पे, ठीक है? हाँ अब सुनो, बोलो हमको ना। अच्छा जाना है अब। सुनो, जो कुछ हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। इट्स ओके, आई एम सॉरी टू, और लव आई यू, लव आई यू, लव लव यू टू। यू टू। अच्छा हाँ सुनो, जी, खुश हो ना, बहुत खुश हूँ आपके साथ। तो मुझे बताना घर वाले क्या बोले, अगर नहीं बताया तो भी चलेगा, लेकिन अब ठीक आने वाले 15 दिन में सगाई है हमारी, फिर शादी, फिर शादी के 1-2 साल बाद बच्चे है ना। हाँ हम बुड्ढे हो जाएंगे बहुत जल्दी। नहीं, हाँ बुड्ढे कैसे हो जाएंगे बहुत जल्दी? बस हो जाएंगे, नहीं भाई नहीं, देखो इतने ना यार, मेरे को जाना है ना, प्लीज। ओके, आई लव यू। आई लव यू टू। ठीक है, जाओ, टाटा, ओके बाय, टेक केयर। टेक केयर टू, टाटा।